फिर से आ गई हूँ आपके सामने अपनी एक नई रेसिपी के साथ। आज की मेरी रेसिपी है पंजाबी छोले। वैसे तो छोले हर किसी को बनाने आते हैं, पर हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे छोले होटल जैसे टेस्टी क्यों नहीं बनते। तो आइए आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स देती हूँ, जिनसे छोले बनाएंगे तो आप होटल के छोलों का स्वाद ज़रूर भूल जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आएँ तो आप इनको लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आइए देखते हैं पंजाबी छोले कैसे बनाए जाते हैं। छोले बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 2 कटोरी छोले। इसको हमने वॉश करके पानी में भिगो लिया है। ये कुछ सूखे आंवले के दाने हैं, 6-7 सूखे आंवले। मैं छोले भिगोते समय ये सूखा आंवला इसमें मिक्स कर रही हूँ, जिससे छोलों का कलर थोड़ा अच्छा हो जाएगा और इसका टेस्ट भी अच्छा आने लगेगा। इन छोलों को आंवला डालकर मैं पूरी रात इसको भिगो कर रख दूँगी। अगर आपको छोले भिगोने का टाइम नहीं मिल पाया है तो आप इसको बनाने से लगभग 1 घंटा पहले गर्म पानी में इसको भिगो सकते हैं। गर्म पानी में भिगोने से ये जल्दी गल जाएंगे और जल्दी अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। आइए अब हम छोले बनाते हैं। सबसे पहले कुकर में छोले डालेंगे और इसमें पूरी चम्मच भर कर नमक डालेंगे। अगर आप छोलों को वाइट रखना चाहते हैं तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अगर आप इसका कलर ब्लैक करना चाहते हैं तो इसमें चाय पत्ती मिक्स करिए। चाय पत्ती को ऐसे ही नहीं डाल देंगे, इसको हम एक सूखा कपड़ा लेंगे कॉटन का, इसमें 2 से 3 चम्मच हम चाय पत्ती डालेंगे। ये चाय पत्ती मैं डाल रही हूँ इसमें 3 चम्मच, और इसको फोल्ड करके मैं इसकी एक टाइट नॉट बना दूंगी, जिससे कि चाय पत्ती बाहर नहीं निकले। इसको अच्छे से फोल्ड करके इसकी एक टाइट नॉट बनाइएगा, जिससे कि पत्ती बाहर ना निकले। इसको हम छोले बॉयल करते समय नॉट को इसमें डाल देंगे और छोलों को कवर लगाकर कम से कम 45 मिनट तक हम इसको धीमी आंच पर बॉयल करेंगे। एक सीटी आ जाने के बाद आप इसको सिम पर कर दीजिए। अब हम देखते हैं कि हमें किन मसालों की ज़रूरत है। ये छोले देखिए, ये बॉयल हो चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और इसका कलर भी ब्लैक हो गया है। हम इसमें सूखा आंवला जो डाला था वो हम निकाल देंगे और चाय की पोटली भी हम इसमें से बाहर निकाल देंगे। ये देखिए, इसके बाद मैं कुछ खड़े मसाले ले रही हूँ। ये कुछ खड़े मसाले हैं, जैसे कि 2 सूखी लाल मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा, कुछ काली मिर्च के दाने। ये 2 सूखी मैंने इमली ली है, ड्राई इमली जो मार्केट में मिलती है, इसको हम छोलों को खट्टा करने के लिए यूज़ करेंगे। ये 2 हरी मिर्च मैंने ली हैं, इसको मैंने तिकोनी शेप में ऐसे काट लिया है। ये देखिए, हरी मिर्च को मैंने कट कर लिया है। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, इसको मैंने बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है कुछ इस तरह से। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, जिसको मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में ऐसे काट लिया है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, 5-6 लहसुन की कलियाँ और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का मैंने इसको कद्दूकस से घिस लिया है। आप चाहें तो रेडीमेड लहसुन अदरक का पेस्ट जो मार्केट में मिलता है वो भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हो। नमक छोलों को भिगोते समय हमने पहले डाल दिया है, तो आप नमक को बॉयल करने के बाद, छोलों को बॉयल करने के बाद नमक को चेक कर लीजिए। अगर आपको नमक कम लगता है तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 धनिया पाउडर है, आमचूर पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। आइए अब हम छोले बनाना शुरू करते हैं। ये इमली के दाने जो मैंने लिए थे, इसको मैंने गुनगुने पानी में कम से कम 15 मिनट तक इसको भिगो दिया है, जिससे इसकी सॉफ्ट प्यूरी बन जाएगी। इसमें से गुठलियाँ हम निकाल देंगे। एक पैन हम गैस पर रखेंगे और इसमें ऑयल डालेंगे। इसमें मैंने 5 बड़े चम्मच ऑयल डाला है, देखिए 5 स्पून्स ऑयल डाला है मैंने इसमें। ऑयल डालने के बाद उसको अच्छे से गर्म करेंगे। ये लो, ऑयल अब पूरी तरह से गर्म हो चुका है। अब जो खड़े मसाले हमने लिए थे वो खड़े मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। मैं खड़े मसाले डाल रही हूँ सारे इसमें। अब इसको तेज आंच पर कड़छी से चलाते हुए हम इसको फ्राई करेंगे।
मसालों को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक इनकी अच्छी खुशबू ना आ जाए। जब इन मसालों की अच्छी सी खुशबू आ जाए तो समझिए कि ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हम इसको ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। अब ये देखिए ब्राउन हो चुका है पूरी तरह से लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, कटी हुई प्याज। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाने चाहिए और ब्राउन हो जाने चाहिए। अगर प्याज कच्चा रह जाएगा तो छोलों का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। प्याज को हम अच्छी तरह से चलाते हुए फ्राई करेंगे ताकि ये चिपके नहीं कढ़ाई से और प्याज जले नहीं। इसको लगातार हमने चलाते रहना है इस तरह से। ये प्याज पूरी तरह से ब्राउन हो चुका है, देखिए। इसको लगातार आप चलाते रहिए। ये फ्राई हो चुका है पूरी तरह। अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। इसके बाद कटा हुआ टमाटर जो हमने बड़े पीसेस में काटा था, इसको हम चलाते हुए लगभग 1 मिनट तक इसको तेज आंच पर फ्राई करेंगे। करछी को आप लगातार चलाते रहिएगा जिससे मसाला लगे नहीं। टमाटर को पूरी तरह से सॉफ्ट करना है हमने। अब ये टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। 1 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद अब टमाटो प्यूरी इसमें डालेंगे और इसको करछी से चलाते हुए तेज आंच पर कम से कम 5 मिनट तक आप इसको फ्राई करेंगे। इसको चलाते रहिएगा लगातार और मसाले को घी छोड़ने तक इसको फ्राई करिएगा। टमाटर अच्छे से फ्राई हो जाना चाहिए। छोलों का टेस्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने मसाला कितनी अच्छी तरह से फ्राई किया है। अगर मसाला अच्छे से भून जाएगा तो छोलों का टेस्ट अच्छा आएगा। ये मसाला अब घी छोड़ने लग रहा है। मसाला पूरी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें बाकी के मसाले डालते हैं। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर इसमें मैं कलर के लिए डाल रही हूँ। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये धनिया पाउडर है 1 चम्मच। मैंने इसमें धनिया पाउडर मिक्स किया है। ये छोलों का मसाला है जो मार्केट में रेडीमेड मिलता है। ये छोलों का मसाला आप इसमें डाल सकते हैं। मैं 1 चम्मच भर के इसमें छोलों का मसाला डाल रही हूँ। इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे ताकि मसालों की अच्छी खुशबू आने लग जाए। मसाला अच्छे से फ्राई करना है हमने। अब मसालों की खुशबू आने लगी है। इसको लगातार करछी को चलाते रहिएगा। अब हम इसमें छोले मिक्स करेंगे। 1 करछी छोले डालेंगे इसमें और इसको करछी से अच्छे से मैश करेंगे ताकि ग्रेवी में छोलों का टेस्ट आ जाए। कम से कम 2 करछी छोले आपको इस तरह से डालकर मैश करने हैं ताकि ग्रेवी जो है वो पतली ना रह जाए और इसमें छोलों का अच्छे से टेस्ट आ जाए। अब पानी के साथ साथ इसमें अच्छे से छोले मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड कर सकते हैं। इसको कवर लगाकर हम कम से कम 10 मिनट तक पकने देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। ये छोले थोड़े से मिक्स हो गए हैं और गल गए हैं। आप चाहें तो ग्रेवी अपने हिसाब से इसमें रख सकते हैं। अगर आप राइस के साथ खाते हैं तो ग्रेवी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा बनाइए। अगर आप पूड़ी या कुलचे के साथ इसको सर्व करना चाहते हैं तो इतनी ग्रेवी रहने दीजिए। इन छोलों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम और इसको हम फिंगर से प्रेस करके देखेंगे कि ये गल चुके हैं। अब इनको अच्छे से धीरे धीरे करछी से चलाते हुए हम इसको हिलाएंगे ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं इसमें। इसको करछी से अच्छे से प्रेस करेंगे हम। छोलों को धीरे धीरे प्रेस करते हुए हम इसको आपस में मिक्स करेंगे। अब इसमें मसाले पूरी तरह से मिक्स हो चुके हैं और मसालों की खुशबू आने लगी है। नमक हम चेक कर सकते हैं। अगर नमक आपको कम लगता है तो आप इसमें नमक अपने टेस्ट के हिसाब से और डाल सकते हैं। अब इसमें नमक बिल्कुल ठीक है।
और ये छोले पूरी तरह से रेडी हैं। ये इमली की जो मैंने प्यूरी बनाई थी, ये खट्टापन देने के लिए छोलों को, अब मैं इसमें इमली की प्यूरी डालूंगी। मैंने इसमें से गुठलियाँ निकाल दी हैं। मैं इसमें 3 चम्मच इमली की प्यूरी डाल रही हूँ। ज़्यादा प्यूरी मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, जिससे छोले नहीं तो और ज़्यादा खट्टे हो जाएंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसके बाद मैं इसमें आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर डाल रही हूँ और सबसे लास्ट में मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला पाउडर। आधी चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है। गरम मसाला पाउडर आप लास्ट में डालिए, इससे मसाले की खुशबू अच्छी आती है। अब इसको कवर लगाकर हम कम से कम 20 मिनट तक इसको पकने देंगे। 20 मिनट के बाद अब ये छोलों को हम चेक करेंगे। ये देखिए, ये टेस्टी छोले अब सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप इसको धनिया पत्ती से गार्निश करिए, इससे इनका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। इनको आप पूड़ी के साथ सर्व कर सकते हैं, कुलचों के साथ इनको सर्व कर सकते हैं, और अगर आप राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं इसको। इसको आप कटे हुए प्याज से ऐसे गार्निश करिए। ये देखिए, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।